सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और देखते हैं कि बॉक्स के अंदर क्या क्या मिलता है। तो ये है बॉक्स, फ्रंट साइज में बोहेमिया की पिक्चर है और ऑटोग्राफ सिग्नेचर है। साइड में प्रोडक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी गई है, लाइक प्राइस, यहाँ पे प्राइस 7,999 मेंशन है, जबकि आपको ये प्रोडक्ट जो है वो 4,999 में मिल जाता है। मैन्युफैक्चरिंग डेट और कॉन्टैक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। बैक साइड में कुछ इंपॉर्टेंट स्पेक्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। चलिए बॉक्स को अनबॉक्स कर लेते हैं। ये है हेडफोन चार्जिंग केस, जिसके अंदर हमारा हेडफोन है। इसे हम लोग जो है वो साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि नीचे हमें क्या क्या मिलता है। सबसे पहले ये है हमारे पास प्रोकस बोहेमिया का स्टीकर। दो पेयर एयर ट्यूब्स आपको मिल जाते हैं इसमें। ये है वारंटी कार्ड, इसमें वारंटी से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है। और ये है काफी कलरफुल यूजर मैनुअल। तो इस प्रोडक्ट से रिलेटेड जो है आपको यहाँ पे इस यूजर मैनुअल में काफी डिटेल में इंफॉर्मेशन मिल जाएंगे। खैर, इन सबको हम लोग जो है वो साइड कर देते हैं। और ये है बोहेमिया चार्जिंग केस या फिर हेडफोन केस आप कह सकते हैं। बैक साइड में आपको जो है माइक्रो यूएसबी केबल मिल जाता है, काफी छोटा केबल है, जिससे आप इस केस को चार्ज कर सकते हैं और साथ ही आप इस केस से अपने फोन को भी चार्ज कर सकते हैं, अगर आपका फोन जो है वो माइक्रो यूएसबी पोर्ट सपोर्ट करता है। साइड में आपको जो है वो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है और माइक्रो यूएसबी पोर्ट मिल जाता है, मतलब चार्जिंग इन और आउट दोनों के लिए। सो ये काफी अच्छी बात है कि इमरजेंसी में आपके पास जो है एक पावर बैकअप होगा। एंड फाइनली ये है हमारा हेडफोन। बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है, देखने में प्रीमियम फील दे रहा है, बस इसका जो साइज है वो थोड़ा बड़ा है। एक साइड में बोहेमिया का सिग्नेचर है और दूसरे साइड में प्रोकस की टेक्निकल स्पेसिफिकेशन की। तो ये हेडफोन ब्लूटूथ वर्जन 5 के साथ आता है, IPX5 रेटिंग, मतलब स्वेट एंड डस्ट प्रूफ है। ऑनेस्टली नथिंग स्पेशल। ईच ईयरबड्स में 50 mAh की बैटरी है। चार्जिंग टाइम जो है वो 1.5 घंटे है और प्लेबैक टाइम जो है वो 5 से 6 घंटे है, मतलब वॉल्यूम लेवल के ऊपर डिपेंड करता है। केस या पावर बैंक का जो बैटरी कैपेसिटी है वो है 1800 mAh। चार्जिंग टाइम 3 से 4 घंटे है। स्मार्टफोन को आधा जो है वो चार्ज कर सकता है, लेकिन आपके हेडफोन के लिए जो है ये एनफ पावर बैकअप है। थोड़ा टेक्निकली बात करें तो इम्पीडेंस जो है वो 16 ohm + 10% है। सेंसिटिविटी 96 dB + -2 dB, मतलब काफी ज्यादा लाउड है ये हेडफोन। फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो 20 Hz से 20 kHz है। एवरेज रिपेयर करने के लिए आपको जो है बस हेडफोन को केस से बाहर निकालना है और फोन के ब्लूटूथ में जाना है। प्रोकस बोहेमिया आपको मिल जाएगा और कनेक्ट करना है, कोई यहाँ पे रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल वे में आपको कनेक्ट करना है। बेस्ट पार्ट ये है कि ब्लूटूथ ऑप्शन में ही आपको जो है बैटरी परसेंटेज देखने को मिल जाएगा कि आपका जो हेडफोन है वो कितना चार्ज है, तो ये काफी अच्छी बात है। दोनों हेडफोन पर आपको प्ले, पॉज, नेक्स्ट, प्रीवियस, वॉल्यूम, कॉल कंट्रोल के जो है वो बटन दिया गया है। टच सेंसिटिव बटन नहीं है, ये फिजिकल बटन है, आपको जोर से जो है वो दबाना होगा। बटन का नेविगेशन भी जो है वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया। आपको प्ले एंड पॉज करने के लिए जो है एक बार प्रेस करना है। अगर आप नेक्स्ट एंड प्रीवियस ट्रैक के ऊपर जाना चाहते हैं तो आपको जो है वो लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जब एक बीप आएगा तब आपको रिलीज करना है, तब आप जो है नेक्स्ट और प्रीवियस के ऊपर जाएंगे। मतलब दोनों जो हेडफोन है लेफ्ट एंड राइट वो एक नेक्स्ट और एक प्रीवियस की तरह से काम करता है। वैसे ही वॉल्यूम के केस में भी आपका जो है एक वॉल्यूम अप के लिए और एक वॉल्यूम डाउन के लिए जो है वो काम करता है। वैसे ही वॉल्यूम अगर आप कंट्रोल करना चाहते हैं तो आपको जो है 2 बार जो है वो प्रेस करना पड़ेगा लगातार, उसके बाद जो है आपका वॉल्यूम 1 लेवल अप होगा। फिर अगर आपको और एक लेवल अप होना है या डाउन होना है तो उसके लिए फिर से आपको जो है डबल प्रेस जो है वो एक तरीके से करना होगा, थोड़ा सा वेट भी करना होगा इस दरमियान में। आप ये सोचेंगे कि चलो डबल प्रेस करके हमने जो है वो रख लिया, वॉल्यूम हमारा बढ़ जाएगा या घट जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। मुझे लगता है कि इन्होंने धोखे से प्रीवियस और नेक्स्ट की जगह जो है वो वॉल्यूम कंट्रोल को डाल दिया और वॉल्यूम की जगह जो है वो नेक्स्ट एंड प्रीवियस कंट्रोल को डाल दिया। मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ये है, बेहतर है कि आप मोबाइल से ही जो है इसको कंट्रोल करें।